हेलो एवरीवन दिस इज सूर्य वेलकम टू आज हमारे पास कोड फोर्सेस की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है वर्ड आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं इज वेरी अपसेट दैट अपसे पीपल ऑन द नेट मिक्स अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन वन वर्ड दैट्स ही टू इन्वेंट एन एक्सटेंशन फॉर हिज फेवरेट ब्राउजर दैट वुड चेंज द लेटर रजिस्टर इन एवरी वर्ड सो दैट इट आइदर ओनली कंसिस्ट ऑफ लोअर केस लेटर और वैसे वर्सा Only of uppercase ones. Add that a little as possible. Letters should be changes in the word. For example, the word H O U S E must be replaced with house, and the word V I P with V I P. If a word contain an equal number of uppercase and lowercase letters, you should replace all the letters with lowercase one. For example, matrix should be replaced with matrix. Your task is to use the given method on one given word. हमें करना क्या है हमारे पास एक वर्ड होगा जिसके अंदर लेटर्स होंगे तो हमें चेक करना है कि कितने अपर केस हैं और कितने लोअर केस लेटर हैं अगर उसमें अपर केस वालों की वैल्यू ज़्यादा है तो हमें उसको कम्प्लीटली अपर केस में लिख के प्रिंट करा देना है अगर उसमें लोअर केस की ज़्यादा है तो हमें लोअर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करा देना है अगर वैल्यू दोनों की सेम है तो हमें लोअर केस वाला प्रिंट करके दिखा देना है और यही प्रोग्राम है इसके बाद में हमारे पास इनपुट है द फर्स्ट लाइन कंटेनसर केस और लोअर केस लिटिल एंड प्रोसेस द लेंथ फ्राम वन टू हंड्रेड हमारे पास एक वर्ड होगा जिसकी लेंथ हो सकती है वन से लेकर हंड्रेड के बीच में आउटपुट है प्रिंट द वर्ड रिक्रेक्टेड इफ द गिवन वर्ड हैज स्ट्रिक्टली मोर अपर केस लेटर मेक द वर्ड रिटर्न इन द अपर केस रजिस्टर अदरवाइज इन द लोअर केस वन तो हमें यही प्रिंट कराना है अगर वो उसमें अपर केस ज़्यादा हैं तो हमें अपर केस में अगर लोअर केस ज़्यादा है या इक्वल है दोनों के दोनों अपर केस और लोअर केस तो हमें उसे लोअर केस में प्रिंट करा देना है काफ़ी सिंपल है अपने कोड को सबमिट कराते हैं मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा कि हम इस प्रोग्राम को कैसे करने वाले हैं हम स्टेप वाइज चलेंगे हेडर फाइल के साथ अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं एज टैग इंक्लूड एस टी डी आई ओ डोट एच इसके बाद मैं एक में आएगा अपना मेन फंक्शन मेन फंक्शन के बाद अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिनकी हमें यहाँ पर नीड होने वाली है सबसे पहले हमारा कैर टाइप में होगी स्ट्रिंग जिसके अंदर हंड्रेड कैरेक्टर हो सकते हैं इसके बाद में हमें क्या करना है इन इन टाइप में लेंगे अपर केस के लिए यू लोअर केस के लिए भी हमारा एल होगा एंड लूपिंग करनी होगी हमें यहाँ पर तो उसके लिए आई ले लेते हैं इसके बाद में हमें क्या करना है स्कैन एफ लगाना है और अपनी स्ट्रिंग को इनपुट कराना है सबसे पहले स्ट्रिंग को इनपुट कराने के बाद हमें क्या करना है फोर लूप चलानी है और अपनी आई की वैल्यू को जीरो पेन स्लाइज करना है और स्ट्रिंग का आई एलिमेंट शुड बी नॉट इक्वल टू होना चाहिए हमारे बैक स्लाइज जीरो के इसके बाद में हमें क्या करना है अपने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा देना है इसके बाद हमें अपने काउंट्स करने हैं कि हमारे पास कितने अपर केस लेटर हैं और कितने लोअर केस लेटर हैं तो उसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे इफ स्ट्रिंग का आई एथ एमेंट अगर हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू है नाइन्टी सेवन के इसका क्या मतलब है हमारी नाइन्टी सेवन वैल्यू होती है इसका ही स्मॉल ए की अगर वो स्मॉल ए के इक्वल है या स्मॉल ए से ज़्यादा है देन हम हमारा वो एक लोअर केस लेटर होगा देन हम क्या करेंगे एल को इंक्रीमेंट करा देंगे अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा वो अपर केस ही होगा क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर दो ही होने हैं एक लोअर केस या अपर केस अगर लोअर केस है तो एल को हमने इंक्रीमेंट कराया अगर अपर केस है तो हमने यू को इंक्रीमेंट कराया और दोनों के दोनों जीरो पे इनिशियलाइज हैं स्टार्टिंग में अब हमें कंडीशन चेक करनी है इफ़ अपर केस अगर हमारा ग्रेटर देन है लोअर केस से अगर हमारे अपर केस की वैल्यू लोअर केस से ज़्यादा है देन हमें क्या करना है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देना है तो हम अपना फंक्शन एक बना लेंगे बाद में अभी लिख लेते हैं कैपिटल के नाम से कैपिटल करा लेंगे अपनी स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है कैपिटल के नाम से और हमने उसको अपनी स्ट्रिंग पास करा दी है अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एल्स कंडीशन में लिखेंगे इस्माल और अपनी स्ट्रिंग को उसको पास करा देंगे ये भी हमारा एक फंक्शन होगा एक कैपिटल के लिए फंक्शन होगा एक स्मॉल के लिए फंक्शन होगा तो हम क्या करने वाले हैं सिंपल अपना अगर हमारा ग्रेटर देन है अगर हमारे अपर केस लेटर ज़्यादा हैं तो हम अपना उसको कैपिटल कर देंगे अदरवाइज हमें अपने स्मॉल को प्रिंट कराना है अगर इक्वल भी हो जाएंगे तो भी वो कंडीशन एल्स के अंदर ही आ जाएगी अगर अपर केस और लोअर केस इक्वल है तो हम क्या करते हैं अपने दोनों के दोनों जो हमारा कैपिटल वाला है और स्मॉल वाला है दोनों के दोनों फंक्शन को लिखना स्टार्ट है, करते हैं ऊपर ही लिख लेते हैं ऐसा करते हैं वोइड टाइप में लिखेंगे वोइड कैपिटल और हमें क्या करना है इसके अंदर अपनी स्ट्रिंग को इनपुट ले लेना है जिसके अंदर हमारे हंड्रेड होंगे इसके बाद में हमें क्या करना है सबसे पहले अपनी फोल्ड लूप चलानी है और हमें आई को जीरो पे इनिशियलाइज करना है अगर हमारे स्ट्रिंग के आई एलिमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू है बैक स्लैश जीरो के तो हमारी स्ट्रिंग ये हमारी फोल्ड लूप चलती रहेगी और आई को हमें इंक्रीमेंट करा देना है अब हमें क्या करना है इफ़ कंडीशन चेक करनी है इफ़ स्ट्रिंग का आयत एलिमेंट अगर हमारा ग्रेटर देन है और इज इक्वल्स टू है नाइन्टी सेवन के इसका क्या मतलब है अगर वो नाइन्टी सेवन से ग्रेटर देन है इसका मतलब है वो लोअर केस है जैसे हमने ये वाला कंडीशन थी सेम वही कंडीशन है अगर नाइन्टी सेवन और नाइन्टी सेवन से या तो बड़ा है या नाइन्टी सेवन के इक्वल है तो हमारा अपर केस होगा अगर ये वाला हो जाता है देन हम क्या करेंगे स्ट्रिंग के आयत एलिमेंट को हम माइनस करा देंगे उससे थर्टी टू अब हमने यहाँ से थर्टी टू माइनस इसलिए किया है क्योंकि हमारे जो कैपिटल ए होता है उसकी इसकाई वैल्यू होती है सिक्सटी फाइव और जो हमारा स्मॉल ए होता है उसकी वैल्यू होती है नाइन्टी सेवन अगर हम नाइन्टी सेवन से सिक्सटी फाइव को सब्सैक्ट करेंगे तो थर्टी टू आता है कैरेक्टर है उसमें से अगर हम थर्टी टू माइनस कर देंगे अगर वो स्मॉल वाला है तो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हमारा स्मॉल बी है उसकी इसका वैल्यू होती है नाइन्टी एट अगर हम उसमें से थर्टी टू माइनस करेंगे तो आएगी सिक्सटी सिक्स अब वो एस्काई वैल्यू होती है हमारे कैपिटल बी की तो इसी तरह हमारा ये कन्वर्जन चलेगा और जो हमारा ये वाला फंक्शन है कैपिटल वाला ये कंप्लीटली हमारा जो स्ट्रिंग है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा अगर हमारा स्मॉल होगा तभी वो थर्टो सब्सट्रैक्ट करेगा अदरवाइज वो सब्सट्रैक्ट नहीं करेगा इसके बाद ऐसा ही हमें एक फंक्शन लिखना है अपने स्मॉल के लिए तो स्मॉल के लिए भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कैर टाइप में हमें स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है अपनी जिसके अंदर हंड्रेड होंगे इसके बाद हमें क्या करना है अपना लूप लगानी है आई की वैल्यू को जीरो पे नहीं करना है और आई को डिक्लेयर भी करना है इन टाइप में देन हमें क्या करना है जो हमारे स्ट्रिंग का आई एलिमेंट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए हमारे बैक स्लाइज जीरो के एंड हमें अपने आई को इंक्रीमेंट करा देना है इसके अंदर भी हमें इफ़ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी अब हमारी जो कंडीशन है वो थोड़ी चेंज होगी इफ़ स्ट्रिंग का आई एलिमेंट अगर हमारा लेस देन है और इक्वल है नाइन्टी के अब हमारी जो नाइन्टी होती है वो स्काई वैल्यू होती है कैपिटल जेड की अगर वो नाइन्टी से या तो इक्वल है या उससे छोटा है तो मतलब वो हमारा एक कैपिटल लेटर होगा तभी हमें अपनी कंडीशन को चेक करना होगा इसके लिए हम अपनी कंडीशन चेक कर रहे हैं और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी देन हमें उसको स्मॉल लेटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे स्ट्रिंग के आयत एलिमेंट को हम क्या करेंगे स्ट्रिंग के आयत एलिमेंट से माइनस कर देंगे नहीं अब की बार हमें प्लस करना पड़ेगा थर्टी टू थर्टी टू क्यों प्लस कर रहे हैं अगर हमारे पास नाइन्टी है हमारे पास कैपिटल जैड है उसको हमें स्मॉल जेड में कन्वर्ट करना है और उसमें हम थर्टी टू को ऐड करेंगे तो होगा वन टू टू वन ट्वेंटी टू अगर हम उसमें थर्टी टू एड कर रहे हैं तो वन ट्वेंटी टू हो जाएगा और वन ट्वेंटी स्काई वैल्यू होती है हमारे स्मॉल जेड की इसी तरह हमारा कन्वर्जन चलेगा और जो हमारा ये वाला फंक्शन है वर्ड स्मॉल वाला वो जो हमारी स्ट्रिंग है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा और हमें हम हमें कुछ नहीं करना है बस अपना जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करा देना है हमने यहाँ से स्ट्रिंग का एड्रेस ही पास कराया है अगर हमने सिंपल एरे का नाम को पास कराते हैं तो हमारा वो एड्रेस ही पास होता है तो हम क्या करेंगे एट दैन अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे प्रिंट लगाते हैं परसेंटाइल एस एंड अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करा देंगे और लास्ट में रिटर्न करा देंगे ज़ीरो को और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा इस कोड को रन करा के देखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखने है तो आई बटन में लिंक है आप वहाँ से जाकर ईजीली देख सकते हैं अगर आपको इस प्रोग्राम का फोटो देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर देख सकते हैं आप आई आपको नीचे दिख रही होगी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पर डी भी कर सकते हैं और जो हमारा प्रोग्राम है वो एक्सेप्टेड हो चुका है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू एंड बाय बाय